इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कार एसेसरी का एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट। गाड़ी अगर चलाते हुए आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो बड़ा गलत हो जाता है, तो ऐसे में आप मोबाइल होल्डर तो यूज़ करें ही करें। तो एक ये अलग तरह का मोबाइल होल्डर है जो आपके जो सेंटर मिरर होता है उसमें लग जाता है, पूरा ये अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको गाड़ी में इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं और जो इसकी दूसरी वेरायटी आती है उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये जो मोबाइल होल्डर आप देख रहे हैं ये लगेगा गाड़ी के सेंटर मिरर के ऊपर और आप इसको फिर लेफ्ट राइट जिधर आप इसको मूव करना चाहें उधर कर ही सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी वैक्यूम या सिलिकॉन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सेंटर मिरर के ऊपर लगता है। चीज़ ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। प्राइस की अगर बात करें तो सारे मोबाइल होल्डर जो हैं ठीक ठाक क्वालिटी के 250 से लेके 400-500 तक बहुत वैरायटी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। परचेज लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो उनको। और इसके अंदर आपको इसको लगा के दिखाते हैं। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये सेंटर मिरर हो गया आपका और इसको ऐसे खींच के नीचे की साइड से इसके अंदर फंसा देना है बीच में और कुछ लुक आप देख ही सकते हैं। और बाद में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दो नट वहाँ पे दे रखे हैं तो आपने जिस तरफ भी मोबाइल को और मोबाइल स्टैंड को हैंडल करना है आप उधर उसको रोक सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा, आप देख सकते हैं सेंटर मिरर को इसने अच्छे से ग्रिप कर लिया है तो ये ऐसे लग गया है। दोनों तरह के यूज़ कर सकते हैं आप, ये वाला भी या तो फिर ग्लास वाला भी, जो आपको सूटेबल हो। अगर आपको ऊपर देखने में प्रॉब्लम होती है बार बार तो आप ग्लास वाला ले सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला ले ही सकते हैं। ये आप एक बार बाहर की साइड से लुक इसका देखिए, कुछ इस तरीके से ये पीछे की साइड से इसका लुक होगा और बिल्कुल ये इसके ऊपर ग्रिप कर लेगा अच्छे से। वहाँ से निकलने का इसमें कोई वाला बात नहीं है निकलने की। और नीचे जो मोबाइल लगेगा वो बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा जैसे नॉर्मल अपने सिलिकॉन वाले में लगता है। काफ़ी बढ़िया होती है फिटिंग, तो मोबाइल लगा के दिखाते हैं एक बार। सिंगल हैंड से आप मोबाइल इसमें लगा सकते हो, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये लगेगा, एक तरफ से खींच के फंसने वाला होता है। क्वालिटी ठीक होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आप बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये लगने के बाद इसका जो है लुक आएगा, आप ऐसे घुमा सकते हो इसको इधर उधर दोनों साइड में जहाँ आपको ठीक लगे। इसका परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 250-350 के आसपास आपको ये वाला मिल जाएगा और इसके बाद फिर ये वाली वेरायटी जो है वो आई रही है जो नॉर्मल अपने सिलिकॉन और वैक्यूम वाले आते हैं वो वाले। इनकी अगर प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 200-250-350 दो तीन प्राइस में मिल जाएंगे। इनके जो परचेज लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी चॉइस है। अगर आपको बार बार ऊपर की साइड देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे वाला यूज़ करें, नहीं तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपको इसमें मिल सकते हैं, सिलिकॉन वाला ही लें ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ऐसे डायरेक्ट फ़ोन को कान पे लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आप किसी भी मोबाइल होल्डर का यूज़ ज़रूर करें, चाहे आप जैसा भी लें। कोशिश करें कि अगर चिपकने वाला लेना हो तो आप सिलिकॉन वाला लें, ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ग्रिप अच्छी होती है और ख़राब होने का चांसेस इसमें कुछ होता नहीं है। तो इनके सारे परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की कार एसेसरीज़ और कार रिव्यूज़ की डिटेल्ड वीडियो देखते रहने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।